अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, अहद रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में अब जिस मकाम पे मैं आपको ले जा रहा हूँ, ज़रा सोचिए कितना मुश्किल होगा ये सफ़र। जिस तरह हमारे सहाबा इकराम करते थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, हम तो थोड़े से सफ़र में थक गए। लेकिन आइए आपको मैं उस जगह की ज़्यारत कराता हूँ जो आप देखना भी चाहेंगे और सुनना भी चाहेंगे। आइए। मस्जिद राया, ये मकाम मुकद्दस वो मकाम है जो ग़ज़वा खंदक की याद दिलाता है, जब 5 हिजरी में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार साथियों ने इसी मकाम पर नमाज अदा की और फिर परचम इस्लाम लहराया। यही वो जगह है नाज़रीन। राया अरबी में झंडे को कहते हैं। तो ये मकाम मुबारक वो मकाम था जब यहाँ मदीना के एतराफ़ में कुफ़ार ने मदीना का महासरा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतराफ़ में खंदक खुदवा कर मदीने का कामयाब दिफा करवा दिया। मैं तारीख़ के और उलटते हुए देख सकता हूँ कि मेरे सामने खंदक खुदी हुई हैं। ये जबल सलाह है। एक जानिब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक है, दूसरी तरफ फारूक़ आज़म, सिद्दीक़ अकबर, उस्मान गनी और हज़रत अली अल मुर्तज़ा के खेमे लगे हुए हैं, और यहीं पर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी खैमा मुबारक मौजूद था। यही वो मकाम है। जब मुसलमानों को यहाँ पर फतह हुई तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना परचम यहाँ पर लहराया, जो इस बात की अलामत था कि मुसलमानों ने इस जगह पर फतह हासिल कर ली है। यहीं पर परचम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद होता है और दुनिया को बताता है कि अब मुसलमानों की इस रियासत पर कदम उठाने की जरूरत कभी मत करना। सुभान अल्लाह। इसी मकाम पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें भी अदा की, और इसी मकाम पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 दीवारी लगाकर इस मस्जिद की बुनियाद कर दी, और ये वही मस्जिद है जहाँ से इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अगली ज़ियारत पे जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन मसाइब के हालात में, किस किन मुश्किलात में, किस तरह से अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते थे, अपनी उम्मत के लिए दिफा करते थे, अपनी उम्मत के लिए ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा उहद जैसी लड़ाई लड़ी थी। सुभान अल्लाह। हम सिर्फ ये आपको बता ही सकते हैं दुखी दिल के साथ कि ये सब हुआ, लेकिन वो खुशनसीब लोग थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अगली ज़ियारत पे ले जाने से पहले मैं यहाँ से आपसे ज़ियारत चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें और ये ज़ियारत यकीनन दिल को छू गई होगी। अस्सलामु अलैकुम।